सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? आई होप कि सब बढ़िया हो गए, सेफ हो गए। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस सॉरी, लिटरली वेरी सॉरी कि इतने लंबे टाइम बाद मुझे याद आई कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, मैंने उस पर व्लॉग डालनी है। सो गाइस, ना ही हॉस्टल बैक टू हॉस्टल की व्लॉग आई, ना ही होली की व्लॉग आई। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने बोला तो था कि काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं घर के बाद। सो काफ़ी कुछ एरर आ गए थे गाइस, बट अब वापसी हो चुकी है यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में। सो फिलहाल गाइस, आज कुछ इवेंट है ग्राफिक एरा मीन्स प्रेसिडेंट कप की शुरुआत हो रही है आज से। अभी मजा आएगा ना भिड़। ये जो स्टेडियम है इसमें हमारे जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट कप होने वाला है, जिसमें पूरी फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ सब खेलते हैं गाइस। मींस ओपन टूर्नामेंट होता है और सारे ईयर्स के पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस फील्ड में मैच होने जा रहा है। सो फिलहाल तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे को और देखते हैं क्या हो रही है तैयारियाँ और कैसे सब अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। मैं सामने खिड़की से देख पा रहा हूँ, सब नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे दोस्तों के भी ट्रायल है। सो फिलहाल चलते हैं। आखिरी गेंद मेरी रेस के लिए। हेलो भाई, अमन बोल रहा हूं। हिल वालों की क्या नीति? लास्ट ओ चलो, बल्ला लगा आखिरकार। दिग्विजय भाई रोशनी कर रहा हूँ, ऐसे हंसो मत तो भाई, अपना ऐसे ऐसे हंसोगे तो कैसे चलेगा। अरे बाहर भेज दिया, निराशा लगी हाथ। भाई बल्ला लगाते हैं, बल्ला गजब बेइज्जती है। गाइस कैंपस बहुत सुना सुना, और कौन है यहाँ? गोल्डी भाई। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? और कैसा लग रहा है आपको बैक टू माय ब्लॉग चैनल? आपको आप आपको देखने के लिए फैंस तरस गए थे आपके, आपके ब्लॉग आगे हो गई। गाइस कैंपस पूरा खाली, एस बिकॉज क्लासेस चल रही हैं, मेरी तो हो गई, मैं हाफ डे मनाया। गोल्डी भाई तेरा यहाँ बता दो, आपकी क्लास ओवर हुई कि नहीं? मेरी क्लास ओवर है, दोनों अटेंड किया है। भाई तू बोल ना, सीधे बंक मार के आया हूँ, घूमने जाना है। गाइस ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों का प्लान एक दो दिन से बन रहा था और हमारे कुछ दोस्त हैं जो नहीं आना चाह रहे थे, उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम इनडायरेक्टली कहते फ्लैट फ्लैट पे जानता हम इनडायरेक्ट। जिंदगी हो तो ऐसी हो। गाइस ये रहा मेरा मैनेजमेंट ब्लॉक, ये गाइस ये मैनेजमेंट का ब्लॉक है और मेरी क्लास यहाँ लगती है। पड़ोसी ब्लॉक में जाना पड़ता है गाइस पढ़ने। गाइस हम बाहर तो आ चुके हैं, बट अभी देखना ये हमें टेम्पो मिलेगा नहीं मिलेगा। सो गाइस हमें कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि गोल्डी और मेरी आदत है कि हमें कभी भी टाइम पर कोई चीज़ मिलती नहीं है। आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा कितना बुरा होता है हमारे साथ। और फिलहाल गन्ने का जूस दिख गया है। गोल्डी 100 मीटर में ही तेरा ये हाल है भाई, क्या होगा अगर पैदल चलना पड़ेगा तो? गाइस मैं आपको बता देता, 12 बजे की धूप है और हमें अभी से प्यास लग गई है, सच्चाई होगी। अरे चेयर्स तो कर ले। सो गाइस ये है एंट्रेंस बुद्धा टेंपल के लिए। गाइस जब हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ तिब्बतियन मार्केट में, तो ये पूरी बंद थी और ये जो बुद्धा टेम्पल है ये भी बंद था, क्योंकि कोविड की वजह से पूरे 2 साल बाद खुल रहा है। अभी तो ओपन हुआ है लेकिन पूरा अभी नहीं, जस्ट ओपन हुआ है बट पूरा नहीं शायद, तो वो तो अब आगे जाके पता चलेगा। और जब लास्ट टाइम पे आया था गाइस, तो वो टाइम था शायद अक्टूबर का, जब नए नए आए थे, तो उस टाइम पर घूमने की सबसे पहली जगह यही थी, बट सब बंद था तो मूड भी नहीं उड़ता। और अभी भी पूरी मार्केट अच्छे से ओपन नहीं है गाइस, तो अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद खुल चुका है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाने की। अन्ना तो मैं सोच रहा था गाइस शायद कॉलेज ख़त्म होने तक का ही जाने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल चलते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, जैसे छाँव आ रही है ना तो अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। सो गाइस ये ले लिया हमने एंट्री टेम्पल का मेन गेट, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है अगर आप सीधे अंदर आते हैं। तरसेम खुश तो बहुत हो गए तुम आज, इतनी खुशी मुझे आज तक। गाइस मैं बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी मूर्ति है जो सामने वाली आप देख रहे हो, बट इसे जो मेरी आंखें देख रही है मीन्स रियलिटी है, बहुत बड़ी है। गाइस देखो आपको नीचे लोग दिख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। गाइस काफ़ी खूबसूरत है गाइस, इसीलिए इतने लोग आते हैं डेली यहाँ पे। और अभी खुला है ना जैसे, गाइस बहुत भीड़ होगी यहाँ पे,
और अब चलते हैं अंदर की तरफ। नेक्स्ट लेवल वाइब है इस जगह की, बहुत शांति होती है अगर यहाँ पे भीड़ कम होती। बट गाइज लोग सैटरडे है तो एंजॉय करने आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे गाइज। बहुत प्यारी जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हो दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे और बहुत बड़ा है गाइज। आपको काफ़ी घंटे यहाँ पे रुक के एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप आ गए और एकदम जल्दी जल्दी चले गए, बट मज़ा आ रहा है गाइज हमें बहुत अभी। गाइज़ यहाँ पे आप बुद्धा टेम्पल के बारे में पढ़ सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। और गाइज नेक्स्ट लेवल जगह है, ग्राफियंस कम फास्टली यार। गाइज अब हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा पूरा बंद है और हमने पता कर लिया है, तो बाकी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, सॉरी फॉर देट। बट जब भी पूरा खुलेगा हम उस टाइम पे भी ज़रूर आएंगे और आपका एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं और तिब्बतियन फूड ट्राई करते हैं क्या स्पेशल होता है। सो गोल्डी भाई थुक्का। सो गाइज अब बाहर निकलते हैं। गोल्डी भाई कैसा लगा? बहुत सही था, अच्छा लगा, बहुत सही था गाइज, अमेजिंग था। आओ जरूर आओ, भले ही जितना भी खुला है बट आओ, आना है आपको। और ये गाइज इस पे लिखा हुआ है गाइज नो मास्क नो एंट्री, और ये बिना मास्क के गया है, मैं तो मास्क रख लेता हूँ गाइज। और ये रहेगा इसकी लोकेशन, देख सकते हो ये मेन्यू को गाइज, इसके रेट और ये मेन्यू के हिसाब से। गाइज ये हम तिब्बतियन खाने आए हैं, इसका मोमो और थुक्पा है गाइज, थुक्पा काफ़ी फेमस। यहाँ पे हमें मिला है ग्रेजी, नाम है ना इसका ग्रेजी। गाइज कितना क्यूट है ये देखो। और यहाँ पे आप आओ तो बाहर पे आपको रेस्टोरेंट दिखेगा, मोस्ट वेलकम है आपका। वापस चल दिए हम कैंपस की तरफ और आइसक्रीम का मजा लेते हुए। चुका था 2 बजे अपने रूम पे, 2:30 बजे, फिर मैं सो गया था, बहुत भयानक नींद में था। और अभी मैं नींद में सोच में नीचे जाके मैच नहीं देख रहा हूँ, बट मैं आपको सबसे बेस्ट व्यू देता हूँ मैच का। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। So do like, comment, share and subscribe. So मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।